जी जनाब, इस वक्त हम समझ लो कि दुनिया के सबसे बड़े फ्रिज के सामने खड़े हैं। इस जितना बड़ा फ्रिज आपने कहीं नहीं देखा। माशाल्लाह, आप ये फ्रिज की साइज को देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से 40 इंचेस इसकी चौड़ाई होगी। ओके, तकरीबन 7 फीट इसकी ऊंचाई होगी। आप साथ खड़ी होएगा जरा वैसे भाई, ये आप देख लीजिए। ओहो, जबरदस्त हो गया जी। और ये बिल्कुल जमीन पे पड़ा हुआ है। किस मित्सुबिशी जापानी कंपनी है। ओके, इंपोर्टेड है और ये भी इंतहाई कम वोल्टेज का होता है। बिल्कुल फ्रेश पीस है, फ्रेश माल में से आया हुआ है ये। इसमें आप अंदर से विजिट करवा दीजिए। ओहो, एक से एक खूबसूरत है इंटीरियर तो इनका, माशाल्लाह से आउट क्लास है। बहुत प्यारा खूबसूरत आउट क्लास इंटीरियर है। कूलिंग चेक करो कैसे निकल। एक बंदा बोले कि हमारे पास घर में पुराना फ्रिज पड़ा हुआ है, वो हम एक्सचेंज करना चाहते हैं। ठीक है, एक्सचेंज भी हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम ये वाला फ्रिज लेंगे, उसके घर में जो फ्रिज है वो हम खरीद लेंगे। जबरदस्त हो गया, ये तो डबल धमाका हो गया ना जी। आज जो है, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी भी आप पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं, और फिर पुराना फ्रिज दो और नया ले लो जी। ये कमाल कर दिया जी, जबरदस्त हो गया जी। इसमें हम आपको अभी ये फ्रीजर पार्टीशन दिखा रहे हैं। ये ऊपर से लेके नीचे तक सारा ये आपका बर्फ जमाने वाला पार्टीशन है। जबरदस्त, सही है। इसके दराज में भी जो दो रैक लगे हुए हैं, इसमें भी सामान जो भी रखेंगे जमाने वाला आइटम वो यहाँ पे जमा के देगा। अंदर सामान रखोगे या यहाँ पे डोर में जमाने वाला आइटम। जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त किस्म की। इसमें ये जो है ये टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है जी। बिल्कुल टेम्पर्ड ग्लास है, बिल्कुल मतलब सॉलिड वजन के लिहाज से। अच्छा, इसमें ये आइस क्यूब की भी जगह दिया गया है। ओके, टेम्पर्ड ग्लास है और ये बॉक्सेस है, इसमें भी सामान वगैरह रखा जाता है। जो भी चीज आपने जमानी है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सारा। ये कूलिंग आपको इसमें से नजर आ रही होगी, सही है। व्हाइट कलर की लाइट है, एलईडी लाइट है इसमें, बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, और ये टेम्पर्ड ग्लास है। इसमें तकरीबन 4-5 इसमें वो है पार्टीशन है जगह सामान रखने के लिए। ये सारा जो भी आइटम आपने जमाना है यहाँ पे रख सकते हैं। फ्रीजर आइटम है ये जी, बिल्कुल फ्रीजिंग आइटम है, वह यहाँ पे रख सकते हैं फ्रिज में भी। और ये जो डोर के अंदर दराज लगे हुए हैं, इसमें भी आप जो भी चीज़ें आपने जमानी है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये इसका फ्रिज पार्टीशन है जो ठंडक के लिए होता है ना, ये देख ले ऊपर से लेके नीचे तक, ये सारा इसमें फ्रिज पार्टीशन है। इसके अंदर भी एक बॉक्स दिया गया है जी, बिल्कुल ये वही। बाकी नीचे ये वेजिटेबल वगैरह के लिए, ये लिखा हुआ है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। और यहाँ से इसकी टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं। फ्रिज है हमारे पास, कैलकुलेटर कंपनी है और लेदर कोटिंग वाला है, जैसे चमड़ा होता। अच्छा। है, कभी जंग नहीं लगता है, गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, बेहतरीन रस्ट फ्री फ्रिज है ये। इम्पोर्टेड अमेरिकन कंपनी है, ये सारा लेदर कोटिंग है। अच्छा, ये अमेरिकन आ गया जी, अमेरिकन है ये। इसका काफी बड़ा डेप है इसमें, डेप्थ में भी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा बड़ा दिया गया है इसमें। ओके, और ये यहाँ पे अगर आप हमारे व्यूवर्स को दिखा सके, ये देखो मेड इन यूएस है। और ये 140 वाट यहाँ पे लिखा हुआ है, 140 वाट। ये आप थोड़ा करीब कर लें, जूम कर लीजिएगा। हाँ, 140 वाट और मेड इन यूएस है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट शेखज़ादा और आज फिर से हाजिर हूँ मैं मुबशर एंड को पे आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की बम्पर डील लेकर के। बम्पर डील क्या है वो आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ हमारी इतनी मेहनत करने का थोड़ा सा सिला ये दिया करें कि वीडियो देखने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ एस आलम, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए धमाकेदार बम्पर ऑफ़र के साथ। जी जनाब, ऑफ़र ये है कि पूरे पाकिस्तान से आप जहाँ से भी कॉल करते हो, आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री डिलीवरी किया जाएगा। ज़बरदस्त जी जी, और इस टाइम हमारे पास एक नया लाट आया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश माल आया हुआ है। ये हमारा तकरीबन चौथा पाँचवा लाट हमारा पहुँच गया है। वो चार लाट माशाल्लाह बेहतरीन सेल हो गए हैं और अभी हमारे पास ये पाँचवा लाट आ चुका है, बिल्कुल फ्रेश अनटच पीस है इसमें हमारे पास। अच्छा ओएस भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना धमाका धमाकेदार जो है वो ऑफ़र बता दी है हमारे व्यूवर्स को, तो अब जल्दी से हमारे व्यूवर्स को इंतज़ार मत कराइए, वो चीज़ें दिखाइए जो ये अवेल कर सकते हैं जी। जी, हमारे पास ये इसमें एक फ्रिज आया हुआ है, ये हायर पैरेंट की कंपनी है। और अच्छा जी, ये फैक्स सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है। ओके, सही है।
और इसका ये पूरा फ्रीज़र पार्टीशन देखिए, आप यहाँ से इसको आइडिया कर सकते हैं, ये जो थोड़ा सा छोटा पार्टीशन है ये फ्रीज़र पार्टीशन कहलाता है, थोड़ा सा चौड़ा वाला होता है ये फ्रिज पार्टीशन कहलाता है। ज़बरदस्त, इसमें हम आपको अभी ये फ्रीज़र पार्टीशन दिखा रहे हैं, ये ऊपर से लेके नीचे तक सारा ये आपका बर्फ़ जमाने वाला पार्टीशन है। ज़बरदस्त, सही है। इसके दराज में भी जो दो रैक लगे हुए हैं इसमें भी सामान जो भी रखेंगे जमाने वाला आइटम वो यहाँ पर जमा के देगा, अंदर सामान रखोगे या यहाँ पर डोर में जमाने वाला आइटम। जबरदस्त, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की इसमें ये जो है ये टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। जी बिल्कुल, टेम्पर्ड ग्लास है बिल्कुल, मतलब सॉलिड वजन के लिहाज से। अच्छा, इसमें ये आइस क्यूब की भी जगह दिया गया है। ओके, टेम्पर्ड ग्लास है और ये बॉक्सेस है, इसमें भी सामान वगैरह रखा जाता है, जो भी चीज़ आपने जमानी है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सारा। और इसका अभी ये दूसरा पार्टीशन जो फ्रिज पार्टीशन में आपको बता रहा था, ठंडक के लिए जो भी आइटम आप यह ठंडा रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। ये दराज, इसकी वेजिटेबल बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस होती हैं, यहाँ से इसका कूलिंग टेम्परेचर कम ज़्यादा यहाँ से भी एडजस्ट कर अच्छा। सकते हैं। सही है भाई, ये जगह है ना, यहाँ से आप इसका टेम्परेचर, इस बॉक्स का टेम्परेचर आप ख़ुद से यहाँ पर मैनुअल तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। बेहतरीन, सही है भाई, ज़बरदस्त। डोर में भी ये दराज लगे हुए हैं, जो भी आइटम आपने रखना हो, जैसे ये अंडों वाली शेल्फ है यहाँ पे अंडे लगा सकते हैं। बाकी नीचे तक ये सारा सामान, हर एक चीज़ कंप्लीट, वेल डेकोरेट, हर एक चीज़ कंप्लीट। और बर्फ़ हम यहाँ चेक भी करते हैं, गारंटी भी देते हैं। और इसमें से एक बात ये भी है कि अगर बेफर्स कोई बंदा, यहाँ कराची की हद तक बात करूँगा, कि एक बंदा बोले कि हमारे पास घर में पुराना फ्रिज पड़ा हुआ है वो हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो एक्सचेंज भी हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम ये वाला फ्रिज लेंगे, उसके घर में जो फ्रिज है वो हम खरीद लेंगे। ज़बरदस्त हो गया ये तो, डबल धमाका हो गया ना जी। आज जो है एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी भी आप पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं, और फिर पुराना फ्रिज दो और नया ले लो जी, ये कमाल कर दिया जी, ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा जी वैस भाई, इसके अलावा कौन सी? इसके अलावा हमारे पास ये दूसरा फ्रिज है, एलजी कंपनी का है, ये भी इम्पोर्टेड है, ये एसएस कहलाता है, जैसे स्टील या स्टील बॉडी। हाँ जी बिल्कुल, स्टील बॉडी का होता है। ठीक है, बहुत खूबसूरत है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, इसकी खूबसूरती इसके सिंपल में है, बिल्कुल सिंपल पीस है। और ये फ्रीजर पार्टीशन और ये इसका फ्रिज पार्टीशन, सही है, अच्छा आप विजिट करवा लीजिएगा, हर एक चीज़ कंप्लीट सामान। इसमें ये एक चिल्ड रूम भी है, यह ठंडा जो चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं, चिल्ड जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये फ्रिज पार्टीशन के अंदर, फ्रिज पार्टीशन के अंदर यह चिल्ड के लिए ये जगह दिया गया है। बाकी वेजिटेबल बॉक्स तो अपनी जगह पे है, ये एक एक्स्ट्रा पार्टीशन इसमें दिया गया है। सही है, टेम्पर्ड ग्लास वही चीज़, लाइटिंग वगैरह हर एक चीज़ चेक करके भी देंगे, और ये बेहतरीन चीज़ है। अच्छा वैसे भाई, आपने जो है प्राइस नहीं अभी तक बताई इन दोनों के। जी इसके जैसे ये हायर वाला है, ये अगर कोई कस्टमर हमसे वो करते हैं, डिमांड करते हैं, तो हम 1,20,000 जैसे मांगते हैं, लेकिन फाइनल हमने 1,10,000 या 1,05,000 में हमने हायर। बेहतरीन हो गया जी, और इसके साथ पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी है जी। इसके अलावा ये जो एलजी वाला है, ये भी आपको 1,20,000-1,10,000 में फाइनल छोड़ देंगे। ज़बरदस्त हो गया जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाता है फिर से हायर। हाँ, ये भी हायर वाला है, ये हमारे पास हायर इस बार स्लॉट में तकरीबन 3 या 4 आइटम निकले। अच्छा, ये सेम है वो वाला जो पहले आपने दिखाया, वो ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम पीस है। अच्छा हाँ, ये भी वही 1,10,000 में फाइनल छोड़ देंगे जी। जनाब, हायर देखने से ये काम हुआ कि आपको बता दिया, उसी में से दूसरा पीस मेरे पास ये पड़ा हुआ है, सेम वही कंडीशन है, वही चीज़ है। ओके, इसका भी टेम्परेचर कंट्रोल? हाँ, ये बर्फ़ चेक करने का हमारा ये जो अपना उसूल है वो देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें हम बर्फ़ चेक करते हैं, ये देख लीजिएगा, ऑन कंडीशन बिल्कुल निकला हुआ है, बिल्कुल बेहतरीन, यानी ओके कंडीशन में। ओके 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 जी बिल्कुल, ये चेक हो गया है, अब कोई भी कस्टमर अगर मांगेगा तो हम उसको बेच सकते हैं, गारंटी भी दे सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त हो गया जी, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है, जो वही मॉडल है इसका। जी बिल्कुल, ये 3-4 आइटम हैं। अच्छा, इसके भी वही प्राइस हैं जो 1,20,000 के हैं, 1,05,000 तक के जो फाइनल हैं? 1,10,000 तक फाइनल। ओके ओके जी, ज़बरदस्त। हमारे पास ये एक एलजी का सिंपल फ्रिज है, ये कस्टमर अक्सर मांगते हैं। बिल्कुल, डोर कूलिंग सिस्टम, ये इसमें डोर कूलिंग सिस्टम, अभी मैं समझा देता हूँ ये क्या है। ओके, इसमें यहाँ से कूलिंग आके इस डोर वाली जगह में यहाँ पे एंटर हो जाती है, यहाँ पे हमारी जो बोतलें वगैरह रखी होती है उसको डायरेक्ट ठंडक मिल जाती है। अच्छा, ये डोर बीम सिस्टम है, यहाँ से कूलिंग इन, यानी क्विक कूलिंग है, अगर पानी वगैरह ठंडा करने के लिए रखते हैं तो क्विक कूलिंग होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये वाला पीस अगर आप देख लें, ये 130 वाट, 220 वोल्टेज है, 130 वाट है, बहुत कम बिजली, मेड इन कोरिया, जबरदस्त, मेड इन कोरिया का है।
बेहतरीन, ये नॉर्मल साइज है। अच्छा, इसको भी आपने ऑन किया हुआ है? अभी अभी चलाएंगे, जब रात को वो करेंगे इसको चलाएंगे। अच्छा, इसमें भी वही चिल्ड रूम वाली जगह दी गई है। अच्छा, यहाँ पे यख ठंडक कूलिंग होगी और नीचे नॉर्मल जो छोटे फ्रिज में भी बड़े के मजे हैं जी। बिल्कुल, जबरदस्त हो गया जी, बेहतरीन बेहतरीन चीज़ है, एलजी कोरियन कंपनी है। ओके, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, और पीस हमारे पास पैनासोनिक का है। इसकी खास बात यह है कि ये नीचे इसमें फ्रीजर पार्टीशन है। अच्छा, बर्फ जमाने के लिए ये नीचे वाला पार्टीशन बॉक्स है, ये फ्रीजर टाइप है ये तो? बिल्कुल हाँ, इसके नीचे जो है बर्फ जमाने के लिए है। ओके, और ये ऊपर इसका पूरा ठंडक के लिए है। जबरदस्त स्पेस है यार इसका तो। इसमें ये आप देख रहे 220 वोल्ट है और 161 वाट। अच्छा, और ये मेड इन थाईलैंड, ये आप दिखा सकते हैं, मेड इन थाईलैंड का है, इंपोर्टेड है। इसमें ये डबल दराज होते हैं, सही है, ये तो जंबो साइज है ये जी। बिल्कुल, यहाँ से टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये टेम्परेचर कंट्रोल का है और इसके अंदर भी ये टेम्पर्ड ग्लास की जो है वो टेम्पर्ड ग्लास है, ये शीट्स लगी हुई है, जबरदस्त। अच्छा जी वैसे भाई, इसके प्राइस जी ये 60,000 हम कस्टमर से डिमांड करते हैं और 55,000। ओके जी, बेहतरीन हो गया। 55,000 में अगर आप किसी भी शहर से ऑर्डर करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी आपके शहर में पहुंचाएंगे। जबरदस्त हो गया जी, बेहतरीन। इसके साथ ये एलजी का है, ये जम्बो साइज कहलाता है, एलजी में बड़ा साइज है। ओके, वैसे ठीक है। अच्छा, इसमें वाटर डिस्पेंसर भी है। अच्छा, इसमें वाटर डिजिटल वो कंट्रोल भी। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ से कूलिंग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। फ्रीजर पार्टीशन काफ़ी बड़ा दिया गया है, ऊपर भी लाइट है, नीचे भी लाइट है, बेहतरीन चीज़ें। ओके, बेहतरीन, इसका ज़बरदस्त किस्म का, इसका भी स्पेस है, फुल जंबो साइज़ है। फुल साइज़ है। ओहो, क्या बात ये है। इसमें जो मैं इसका बड़ा खूबसूरत इंटीरियर है। हाँ, ये टेम्पर्ड ग्लास और ये वही जो यख चिल्ड वाली रूम चिल्ड के लिए। अच्छा, वो पीछे जो है वो एक जी बिल्कुल, ये अलग से इसको जगह दिया है ताकि यहाँ पे छोटी सी जगह में काफी सारी कूलिंग आ जाए, तो ये कंपनी ने अपनी तरफ से ये एक दिया हुआ है। सही है भाई, जबरदस्त। काफी बड़ा वेजिटेबल बॉक्स है, फ्रूट बॉक्स और वेजिटेबल बॉक्स अलग अलग है, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन। अच्छा जी, 65,000 का है। अच्छा, मार्केट में अगर न्यू का रेट लिया जाए तो कम से कम यहाँ पे 2.5 लाख या सवा। बिल्कुल ऐसा ही, जंबो साइज है ये। बिल्कुल, यहाँ पे 65 में आपको कस्टमर को मिल जाएगा। बेहतरीन हो गया जी, डोर स्टेप पे मिलेगा आपके 65,000 में। अच्छा जी, मित्सुबिशी जापानी कंपनी है। ओके, इम्पोर्टेड है और ये भी इंतहाई कम वोल्टेज का होता है, बिल्कुल फ्रेश पीस है, फ्रेश माल में से आया हुआ है ये। इसमें आप अंदर से विजिट करवा दीजिए। ओहो, ये कूलिंग एक से एक खूबसूरत है, इंटीरियर तो इनका माशाल्लाह से आउट क्लास है, बहुत प्यारा खूबसूरत आउट क्लास इंटीरियर है। आप कूलिंग चेक करो कैसे निकल रही है यार। ये जंबू चिलर वाली जगह मैंने आपको बताया जो यख ठंडक के लिए। अच्छा, ये इंपोर्टेड जितने भी फ्रिज है उनमें सब में ये रख दिया हुआ है, ये पाकिस्तानी फ्रिज में ये नहीं होता, इंपोर्टेड। पाकिस्तानी फ्रिज में कूलिंग हो जाए बड़ी बात है यार। अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा, क्वालिटी के लिहाज से यही फ्रिज पाकिस्तानी फ्रिज के मुकाबले में, पाकिस्तानी फ्रिज आप 10 दफ़ा मतलब गल सड़ जाएगा और ये इंपोर्टेड फ्रिज है, ये एक ही दफ़ा वही पीस चलता रहेगा, लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त हो गया जी, बहुत खूबसूरत चीज़ है ये। 85,000 का है और मार्केट में लेंगे तकरीबन आपका 2.5 से 3 लाख। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और यहाँ पे हम तकरीबन कंडीशन न्यू है बिल्कुल, इसमें और क्या चाहिए, इसमें बिल्कुल फ्रेश पीस है, न्यू कंडीशन में है। ये एक दूसरा भी है मेरे पास, ये भी। अच्छा, ये भी। ओके, ये भी आप अंदर से देख लीजिएगा। ओके, अच्छा, ये दूध वूध रखा हुआ आपने? जी जी, बिल्कुल, अपने इस्तेमाल के लिए, चाय वाय के लिए। जबरदस्त, ऊपर भी लाइटिंग है, नीचे भी लाइटिंग है, जंबो चिलर भी है, हर एक चीज़ सारे फंक्शन मतलब बेहतरीन। ये भी इसके अंदर जंबो चिलर भी और सो दिया गया इसके अंदर, और इसका साइड आप ये डोर का देख लीजिए स्पेस, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, बेहतरीन हो गया वैसे भाई। ये फुल साइज का है, मित्सुबिशी जापानी कंपनी है और 85 यहाँ पे हमारे रेट है, न्यू में तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख के करीब इसके रेट। इंपोर्टेड का हाँ इतना ही है, जिसका दर जिस हिसाब से महंगाई चल रही है 2.5 लाख 2 लाख से ऊपर मतलब जाता है ये। जी बिल्कुल, महंगाई बहुत, और यहाँ पे हम ये 85,000 का देते हैं। जबरदस्त हो गया जी, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत आला जी, आज तो आपने वाकई में 3-4 धमाके कर दिए हैं, इतनी जबरदस्त क्वालिटी। ये सैमसंग, ये एक और फ्रिज है हमारे पास, सैमसंग कंपनी है, कोरियन कंपनी है, इंपोर्टेड है ये। सही है,
ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें ये है इसके ब्रांचेस वगैरह। अच्छा अच्छा, स्टिकर लगा हुआ इसका, कंपनी का स्टिकर जी, बिल्कुल हाँ, ये कंपनी के स्टिकर लगे हुए हैं, ओरिजिनल हालत में है, ये सैमसंग कंपनी का है, ये फ्रीजर पार्टीशन है इसका, ये कूलिंग आपको इसमें से नजर आ रही होगी, सही है, वाइट कलर की लाइट है, एलईडी लाइट है इसमें, बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, और ये टेपर्ड ग्लास है इसमें, तकरीबन 4-5 इसमें वो है पार्टीशन है जगह सामान रखने के लिए, ये सारा जो भी आइटम आपने जमाना है यहाँ पे रख सकते हैं, फ्रीजर आइटम है ये जी, बिल्कुल फ्रीजिंग आइटम है, वह यहाँ पे रख सकते हैं फ्रिज में भी, और ये जो डोर के अंदर दराज लगे हुए हैं इसमें भी आप जो भी चीज़ें आपने जमानी है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये इसका फ्रिज पार्टीशन है जो ठंडक के लिए होता है ना, ये देख ले ऊपर से लेके नीचे तक, ये सारा इसमें फ्रिज पार्टीशन है। अच्छा, इसके अंदर भी एक बॉक्स दिया गया है जी, बिल्कुल ये वही, बाकी नीचे ये वेजिटेबल वगैरह के लिए ये लिखा हुआ है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, और यहाँ से इसकी टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं इस बॉक्स के, खाली इन दो बक्सों के आप यहाँ से टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। इसका डोर में भी काफ़ी सारे वो जो सामान दिया गया है यहाँ पे भी आप फ्रूट वगैरह रख सकते हैं, जो भी किचन का खाने पीने का इस्तेमाल का चीज़ें हैं जो इसमें रख सकते हैं, ज़बरदस्ती बेहतरीन। अच्छा जी उवैस भाई, इसके प्राइस ये वाला अगर न्यू की बात की जाए तो तकरीबन 4.5-4 लाख के करीब होगी, यहाँ पे हम कस्टमर को देते हैं तकरीबन 95 के 1 लाख। ओके, 95 और 1 लाख के अंदर, ज़बरदस्त हो गया जी, बेहतरीन सैमसंग का ओरिजिनल। ये मेड क्या है? कोरियन मेड है, सैमसंग एलजी, ये कोरियन मेड हो गया। अच्छा, ये एक और सैमसंग का है, सही है, इसमें ये डिस्पेंसर वाली जगह भी दी हुई है, यहाँ से आइस आती है, यहाँ से वाटर आती है। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल भी है इसका। हाँ, ये फ्रीजर पार्टीशन में ये दिया गया है, ये आप इसका फ्रीजर पार्टीशन देख सकते हैं, ये इसमें ऑटो आइस मेकर है, ये जगह बनी हुई है ना, ये ऑटो आइस मेकर। हाँ, और नीचे ये सारा इसका वही फ्रीजर पार्टीशन है, सामान वगैरह जो भी रखेंगे जमाने के लिए। हाँ, यहाँ से पानी और वो बाहर। अच्छा, ये सेम मॉडल है, कलर जो है वो डिफरेंट है। हाँ, और इसमें ये भी दिया गया है। अच्छा, ये अंदर वाटर डिस्पेंसर भी दिया गया है। अच्छा हाँ, इसमें ये शेल्फ, फोल्डिंग शेल्फ। हाँ, फोल्डिंग शेल्फ है, और ये वही दराज, बाकी नीचे वही वेजिटेबल के लिए शेल्फ दी गई है, उसमें भी टेम्परेचर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं मैनुअल तरीके से, सही है। बाकी दरवाज़ों में भी सामान, हर एक चीज़ कंप्लीट, फ्रिज जो भी होगा इंशाल्लाह सामान कंप्लीट होगा, कूलिंग के लिहाज से, बर्फ़ के लिहाज से परफेक्ट चीज़ होगा, बेहतरीन। अच्छा, ये भी सेम प्राइस है जी, बिल्कुल सेम प्राइस में ये भी दे जाएंगे, सैमसंग के हैं दोनों, कोरियन मेड है, इम्पोर्टेड है, कोरियन मेड है, बेहतरीन। एलजी कंपनी का सिंपल फ्रिज है, जो अक्सर कस्टमर पूछते हैं सिंपल फ्रिज के हवाले से ना, तो ये इंपोर्टेड का है, इंपोर्टेड है, एलजी कंपनी का है, कोरियन कंपनी है। ठीक है, ये अंदर से आप देख सकते हैं काफ़ी खुली जगह दी गई है इसमें, और इसमें ऊपर भी लाइट होती है, नीचे भी लाइट होती है, टेम्पर्ड ग्लास होता है इसमें, सही है। ये कंपनी का पूरा डेटा दिया गया है, ये 130 वाट का है, सॉरी 150 वाट का है, 150 वाट। हाँ, अच्छा जी, ये भी मेड इन कोरिया है, मेड इन कोरिया है, इंपोर्टेड है। ओके, ज़बरदस्त, ये 65,000 का है, और मार्केट में तकरीबन 2 लाख या 2 लाख का है, यहाँ पे 65,000। ओहो, इसके साथ ये हमारे साथ ये हिटैची फ्रिज है, काफ़ी चौड़ाई में काफ़ी बड़ा फ्रिज, जंबो साइज जी, बिल्कुल जंबो साइज है, और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़ा स्पेस दिया गया है कंपनी की तरफ से, और इसमें पूरा रूम है जी, ये चिल्ड रूम काफ़ी बड़ा है, सही है, और टेम्पर्ड ग्लास है यहाँ पे, ये इसमें आइस क्यूब के लिए जगह भी दी गई है, आइस क्यूब यहाँ पे आप नीचे स्टोरेज कर सकते हैं, ये स्टोरेज है, और यहाँ पे वो आइस क्यूब भी बनाएंगे। अच्छा जी, सही है, बाकी एरिया तो सबको पता ही है किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये वाला नीचे का इसका डोर, ये इसमें 2 बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ से अंडो वाले हैं, हर एक चीज़ कम्प्लीट सामान के साथ और बेहतरीन कूलिंग के साथ। ये वाला हम यहाँ से 70,000 का, तकरीबन वही 2.5 लाख के आसपास इसके रेट होते हैं, बेहतरीन। इसके साथ ये हमारे साथ ये एल जी फुल साइज का फ्रिज है, जब मूवीज का यहाँ से टेम्परेचर आप वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, जी बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, और ये इसका फ्रीजर पोजीशन आप देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ा स्पेस है, और ये यहाँ पे आप थोड़ा दिखा दीजिएगा, 120 वाट का है ये, देख लें 120 वाट, और ये मेड इन कोरिया, ये एलजी कंपनी है, 120 वाट है, मेड इन कोरिया, काफ़ी बड़ा स्पेस है, और इसका ये नीचे वाला पार्टीशन भी देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें भी वही डोर कूलिंग सिस्टम है, सही है? अच्छा जी, जबरदस्त, ये यहाँ से कूलिंग आती है यहाँ पे, यहाँ से इस जो छोटे छोटे सुराख दिए हुए हैं यहाँ पे बोतल वगैरह जो रखे होते हैं उसमें कूलिंग आ जाती है, बेहतरीन। ऊपर नीचे लाइटिंग है, बेहतरीन चीज़ है,
ओके जबरदस्त जी बिल्कुल, ये 80,000 का कस्टमर को मिल जाता है और न्यू में 2.5 लाख 3 लाख आसपास के रेट। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, जबरदस्त हो गया जी। फ्रिज है हमारे पास, कैलकुलेटर कंपनी है और लेदर कोटिंग वाला है, जैसे चमड़ा होता है, कभी जंग नहीं लगता है, गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, बेहतरीन रस्ट फ्री फ्रिज है ये। इम्पोर्टेड अमेरिकन कंपनी है, ये सारा लेदर कोटिंग है। अच्छा ये अमेरिकन आ गया जी, अमेरिकन है ये। इसका आप देख ले, काफी बड़ा डेप है इसमें, डेप्थ में भी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा बड़ा दिया गया है इसमें। ओके, और ये यहाँ पे अगर आप हमारे व्यूवर्स को दिखा सके, ये देखो मेड इन यूएस है और ये 140 वाट यहाँ पे लिखा हुआ है, 140 वाट। ये आप थोड़ा करीब कर लें, जूम कर लीजिएगा, हाँ 140 वाट और मेड इन यूएस है। ओके जबरदस्त कूलिंग है यार इसके लिए, हाँ बेहतरीन चीज है। ओके जबरदस्त, काफी बड़ा साइड जो है बिल्कुल, इसमें शेल्फ भी अलग डिजाइन की दी गई है। अच्छा ये इसके कमाल की यार, विंडो का ये देख लीजिएगा, ये एक अलग शेप दिया गया है, सही है, जबरदस्त हो गया जी, बहुत खूबसूरत है। इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है जी, बिल्कुल इम्पोर्टेड है, अमेरिकन पीस है और क्वालिटी के लिहाज से नो डाउट बहुत बेहतरीन प्यारा पीस है। सर ये इससे बढ़कर क्या होगा कि लेदर कोटेड है और ये रस्ट फ्री है और रस्ट फ्री है। कभी ये इसको जंग नहीं लगेगा, कभी खराब नहीं होगा, ये बेहतरीन। अच्छा इसके प्राइस ये वाला तकरीबन 75,000 का यहाँ पे कस्टमर को हम दे देते हैं। जबरदस्त हो गया जी, क्या कमाल के प्राइस हैं जी, बेहतरीन जी। जनाब इस वक्त हम समझ लो कि दुनिया के सबसे बड़े फ्रिज के सामने खड़े हैं, इस जितना बड़ा फ्रिज आपने कहीं नहीं देखा। माशाल्लाह, आप ये फ्रिज की साइज को देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 40 इंचेस इसकी चौड़ाई होगी। ओके, तकरीबन 7 फीट इसकी ऊंचाई होगी। आप साथ खड़ी होएगा सर वैसे भाई, ये आप देख लीजिए। ओहो, जबरदस्त हो गया जी। और ये बिल्कुल जमीन पे पड़ा हुआ है, किसी चीज के ऊपर भी नहीं। आप अगर आप हाइट चेक कर सकते हैं, चौकी वगैरह पे रख लेंगे तो शायद और भी ऊंचा हो जाएगा। जबरदस्त, काफी बड़ा फ्रिज है, फुल साइज का, और ये है हिटाची कंपनी, डबल जंबो जी बिल्कुल, हिटाची कंपनी है जैपनीज। और ये आप अंदर से थोड़ा दिखा दीजिएगा प्लीज, ये देख ले आप, ये इसका इंटीरियर देख लीजिएगा भाई, फुल साइज कितना बड़ा फ्रिज है भाई, आप देख लीजिएगा। अच्छा टेम्पर्ड ग्लास है, वजन के लिहाज से कोई इशू नहीं, आप जितना सामान रखना चाहे रख सकते हैं, ये कंपनी की तरफ से टेस्टेड किया हुआ पीस होता है, जो इस पे सामान वगैरह रखते हैं वो चेक करते हैं कि आए इसमें कोई कमजोरी तो नहीं। टेम्पर्ड ग्लास का मकसद ये है कि आप कोई कितना भी वेट इसके ऊपर डाल सकते हो, रखना चाहो आप रख सकते हो, अक्सर बस देख नहीं रख देना कोई अंदर जी बिल्कुल, अक्सर लोग डर जाते हैं कि यार शीशा है टूट ना जाए, तो ऐसे कोई बात नहीं होती। जबरदस्त यार, क्या खूबसूरती है इसकी। 4 इसकी शेल्फ है, ये हो गई सामान रखने के लिए, और ये इसमें जो है एक ट्रे हो गई वेजिटेबल बॉक्स वगैरह फ्रूट के लिए, ये हो गया दूसरा, मतलब इसमें डबल पार्टीशन में दिया गया है, समझ लो एक में फ्रूट रखो दूसरे में सब्जी रख लो, फुल साइज बड़ी फैमिलीज के लिए जो है वो। ये डोर भी इसके थोड़ा दिखा दीजिएगा, काफी लेंथ इसकी काफी ज्यादा है, पीछे स्पेस नहीं है, मैं पीछे जाके दिखा सकता इसको, जबरदस्त किस्म का वो डबल जंबो फ्रिज आइए। अच्छा ऊपर भी इसके लाइट दी गई है, आप कूलिंग चेक करो यार इसकी, माशाल्लाह। अच्छा इसकी एक क्वालिटी ये भी है कि आप इसकी रबड़े अपनी तरफ से खींच के धुलाई सफाई करके वापसी इसमें आप कर ले, ये एडजस्टेबल है। अच्छा खुद से आप खींच लो धुलाई सफाई करके वापसी इसमें, ये आप बड़ी अपने हाथ से लगा सकते हैं बिल्कुल इजीली, आसानी घर में भी आप कर सकते हो। अच्छा और ये नॉन ब्रेकेबल भी होगा ये बिल्कुल, हाँ ये खुद से यहाँ इसके सांचे बने हुए होते हैं, खींच लिया धुलाई सफाई किया वापसी इसमें लगा, अक्सर कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं तो इसकी धुलाई पर मुश्किल हो जाती है, बेहतरीन हो गया। और स्टील बॉडी भी है जी बिल्कुल, मजे की बात है, और बहुत प्यारा पीस है, खूबसूरत चौड़ाई अच्छा ये तो हो गई इसकी सारी डिटेल, अब इसके प्राइस भी बताइए, अगर जंबो साइज का ही है या कुछ कम है। ये बस थोड़े से ही बड़े हैं, समझ लो कि 85,000 में, ये 85,000 में डबल जंबो फ्रिज यार, फुल साइज अनबिलीवेबल। और फिर अगर पाकिस्तान में से किसी ने भी मंगवा लिया तो ये आपने जुबान की हुई, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी भी दे रहे हैं उसको, बेहतरीन हो गया जी, जबरदस्त हो गया, खूबसूरत हो गया जी, जबरदस्त। अच्छा जी अब नेक्स्ट आ गया जी, हमारे पास ये पेल कंपनी का है, जो यहाँ पाकिस्तानी हमारे अच्छा, लोकल पेल कंपनी का है, फुल साइज है, इसमें आधा फ्रीजर होता है, आधा इसमें फ्रिज होता है, सही है, ये पाकिस्तानी कंपनी है, फुल साइज का पेल कंपनी का। अच्छा आधा इसका फ्रीजर होता है, आधा फ्रिज होता है, अंदर से भी आप दिखा सकते हैं, इसका ऊपर जो पार्टीशन है ये सारा बर्फ जमाने के लिए है, और ये नीचे सारा ये इसका ठंडक के लिए है। सही जी बिल्कुल, वर्किंग कंडीशन में है, गारंटी के साथ, कोई भी कस्टमर मांगेगा उनको हम देंगे, गारंटी के साथ में देंगे, बेहतरीन। ये इसके साथ ये डोलेस कंपनी का है, अच्छा, ये डोलेस का फुल साइज है, जैसे ये पेल फुल साइज पेल कंपनी का था, ये डोलेस का फुल साइज है,
इससे बड़ा और आपको ये लोकल में पाकिस्तानी फुल साइज चेक करें और वो डबल जंबो चेक करें जी। इसमें एक पार्टीशन और भी बना सकते हैं, तो समझ लो 1, 2, 3, 4 पार्टीशन इसके आप बना सकते हैं बर्फ जमाने रखने के लिए। ओके, नीचे इसका ये वेजिटेबल और फ्रूट सब्जी वगैरह उसके लिए आप ये रख सकते हैं। जबरदस्त हो गया जी, ये भी बड़ा जबरदस्त स्पेशल है, फाइन जो है वो इंटीरियर है इसका बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा जी, वैसे इसके प्राइस ये पाकिस्तानी जो मैंने आपको फुल साइज पेल का और डोलेंस का दिखा दिया, ये 60,000 में दोनों पीस, मतलब 60,000। अच्छा, पेल भी और ये डाउलेंस भी 60,000 के अंदर मिल जाएगा जी। न्यू में अगर आप इसका रेट पूछेंगे 135 या 140 इसके रेट, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, हम देंगे 60,000। बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन। अच्छा, इस दफ़ा जो है वो कोई डिस्काउंट वाउचर नहीं है हमारे कस्टमर के लिए? हाँ बिल्कुल है, डिस्काउंट वगैरह कैसे होगा? अच्छा, डिस्काउंट वाउचर अभी बता रहे हैं या फिर आखिर में? बेहतरीन हो गया जी, ठीक है जी। ये एक फ्रिज हमारा अभी पैक हुआ है, ये पेशावर जा रहा है। अच्छा, ये पेशावर जा रहा है यहाँ से, ये अभी पैक हो गया, हम ऐसी पैकिंग करते हैं, ठीक है। ये काटन लग जाता है, ऊपर से पट्टियाँ लग जाती हैं, तो ये सेफली कंटेनर में जब दूसरे फ्रिज या कोई भी आइटम होता है उसके साथ रगड़ या खराश वगैरह नहीं आता है, बिल्कुल सेफली ये पहुँच जाता है कहीं पर भी हमको ये भिजवाना हो। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त जी जनाब। ये एक और फ्रिज है हमारे पास, सीमेंस जर्मनी की कंपनी है, सीमेंस। Okay. और इसकी क्वालिटी ये कि ये लेदर कोटिंग है। अच्छा, चमड़ा, ये भी लेदर कोटेड है जी बिल्कुल, ये सारा लेदर कोटिंग है, चमड़ा है, रस्ट फ्री है, जंग नहीं लगेगा इसको। इम्पोर्टेड फ्रिज को तो वैसे भी जंग नहीं लगता, लेकिन इसको स्पेशल कवर, ये समझ लो कि चमड़ा जो लगाया हुआ था वो इस वजह से इसको कभी जंग ना लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त हो गया। इसका इंटीरियर आप देख लीजिएगा, अंदर से चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है और डेप्थ जो है वो भी काफ़ी बहुत अच्छी जी बिल्कुल। हाँ, इसमें ऊपर ये अलग से पार्टीशन भी बनाए गए हैं, ये आप दिखा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वही चीज़ है। और इसके ये दरवाज़ों के जो दराज है वो भी आप दिखा दीजिएगा। अच्छा, ये देखो, ये सीमेंट्स अंदर से सामान सारा। ओके, और ये अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप एडजस्टेबल कर सकते हैं, एडजस्टेबल है इस तरीके से। इसकी शेल्फें भी ऐसी है। अच्छा, शेल्फें भी देखो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक ही पीछे इसके रैक में दो अलग अलग दिए गए हैं ना, मतलब ये अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा, आप अपने हिसाब से इसको स्टेप वाइज ऊपर नीचे लगा सकते हैं, तरह ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। आखिर में फिर इसका वही जो चिल्ड रूम में आपको बता रहा था, ये वही चिल्ड रूम आ जाता है। यहाँ पे इसकी टेम्परेचर आप अपने हिसाब से मैनुअल तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। सही है, ये वेजिटेबल बॉक्स है और ये इसके ऊपर आप मैनुअल तरीके से इसका टेम्परेचर अलग से सेट कर सकते हैं। शाह जी, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। सीमेंस जर्मनी की कंपनी है, जर्मन की, तो वैसे भी मेरे ख्याल से शायद 5-6 लाख के हों, हम देते हैं तकरीबन 75। बेहतरीन जी, ज़बरदस्त किस्म का फ्रिज है ये भी, मतलब ये इसको भी जंबो कह सकते हैं वैस भाई जी बिल्कुल। चौड़ाई के लिहाज से वैसे अगर ये थोड़ा आम फ्रिज की तरह नॉर्मल पतला होता तो शायद काफी जंबा होता, ऊपर लंबा हो जाता, लेकिन अब ये चौड़ाई और मोटाई इसकी काफी ज्यादा है। हवा तीन की हाइट्स के हिसाब से बिल्कुल। अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा, ये एक और हिटाची, हिटाची का है, सिल्वर कलर का है, बहुत खूबसूरत कलर है। हैंडल वगैरह इसके बड़े प्यारे दिए गए हैं और ये आप इसका अंदर का इंटीरियर दिखा सकते हैं, काफी चौड़ाई में काफी ज्यादा कूलिंग आप चेक कर सकते हैं, काफी बड़ा स्पेस दिया गया है और फ्रीजर इसका काफ़ी बड़ा दिया गया है, चौड़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा है और ये इसमें डबल पार्टीशन है, यहाँ पे आइस क्यूब वगैरह के लिए ये जगह बनाई गई है, यहाँ पे स्टोरेज है। और इसका मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये लेवल थोड़ा आप दिखा दीजिएगा कस्टमर को, ये 220 वोल्टेज है और 216 वाट जी, ये मेड इन थाईलैंड, टोक्यो हिटाची, टोक्यो जापान, मेड इन थाईलैंड। सही है सर, जबरदस्त हो गया, ये बहुत खूबसूरत है। अंडे इसमें काफी ज्यादा मात्रा से 2-3 दर्जन तो आई, 2-3 दर्जन अंडे, यहाँ सर्दियाँ आ रही हैं, आगे अंडे ही अंडे होंगे। अच्छा, ये इसकी हाइट भी अच्छी है और ये बिल्कुल जमीन से बिल्कुल रखा हुआ है, बेहतरीन हो गया। क्या प्राइस क्या बताया वैसे इसका? जी, न्यू का तकरीबन 2.5-3 लाख और यहाँ पे हम देते हैं तकरीबन 75। ओके, जबरदस्त, बेहतरीन, आधे के आधे से भी कम रेट हो गए, आधे से भी आधा कम और उससे बढ़कर ये आप पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी कर रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जबरदस्त हो गया जी। अच्छा जी, फुजिस्टो जर्नल जापानी कंपनी। अच्छा, फुजिस्टो जर्नल जापानी कंपनी है और ये आप देख लीजिएगा, ऊपर नीचे लाइटिंग है, सूरत और सामान वगैरह हर एक चीज़ बड़ा बेहतरीन खूबसूरत
और मजबूती के लिहाज से तो मैं बोलूँ कि इस जैसा कोई फ्रिज ही नहीं बना है। बेहतरीन सर, जापान का है तो फिर मजबूत ना हो तो ये कहाँ लिखा हुआ है। के लिहाज से बहुत प्यारा पीस है, बहुत जबरदस्त। इसकी स्पेस, इसका इंटीरियर, इसका भी बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल, ये देखिए जितने भी फ्रिज देखे हैं तमाम के तमाम इंटीरियर उनका बहुत खूबसूरत है यार, माशाल्लाह। इम्पोर्टेड है ना? हाँ, जबरदस्त हो गया। ठीक है जी, बेहतरीन। सिंपल कलर है, खूबसूरती इसकी सिंपल पन में है कि बिल्कुल सादा है, कोई इसमें वो शोशा नहीं, बिल्कुल सिंपल लेकिन पायदारी मजबूती के लिए सिंपल एंड ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा पीस। अच्छा जी, इसके प्राइस ये 60,000 में जापानी फ्रिज, जबरदस्त हो गया जी, बेहतरीन, बहुत आला हो गया। अच्छा जी, अब ये मुझे एक और आइटम है हमारे पास जो कि सिर्फ फ्रीजर लोग कस्टमर को चाहिए ना, सिर्फ फ्रीजर। अच्छा अच्छा, के उसको वर्टिकल फ्रीजर कहते हैं, ओके, बर्फ जमाने के लिए। तो वो ये वाला पीस हमसे मांग ले, ये ऊपर से लेके नीचे तक सारा बर्फ जमाने सारे के लिए होते हैं। जी बिल्कुल, ओके, ये सारे बॉक्सेस सिर्फ बर्फ जमाने के लिए है। ठीक है, अच्छा ये भी ऑन कंडीशन में है, सब वर्किंग कंडीशन में है, गारंटी वाले पीस है। अच्छा जी, जबरदस्त। कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्सेस हैं। जी बिल्कुल, ये तो बड़े जबरदस्त। ये तो आप इसको कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं, कोई बंदा कमर्शियल यूज करना चाहे या अक्सर घर के लिए अगर किसी को चाहिए कि यार हमको फ्रीजिंग आइटम हमारे ज्यादा है, अच्छा महीने भर का राशन वगैरह हम रख लेते हैं तो उस हिसाब से ये बेहतरीन। अच्छा ये भी ऐसा ही है, वर्टिकल फ्रीजर है ये, फिर वर्टिकल फ्रिज हो जाता है। अच्छा, ये खाली फ्रिज, जैसे ये बर्फ जमाने वाला, ये सिर्फ ठंडक के लिए। अच्छा जी, ये ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ ठंडक के लिए है, इसमें बर्फ वाला ऑप्शन। इसकी भी स्पेस बहुत जबरदस्त है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन, बहुत आला। अच्छा, इनके प्राइस वैसे भाई, ये वाला आपको अगर पसंद आ रहा है समझ लो कि 55,000 का, कोई भी कस्टमर हमसे मांगता है तो हम 55,000 का ये वाला देते हैं। ओके, और ये वाला 60,000 का देते हैं, ये फ्रीजर है, ये 60,000। ओके, बेहतरीन, जबरदस्त। एक मुझे वर्टिकल फ्रीजर एक ये भी है, ये फ्रिजदार के नाम से है, ये भी भाई लेदर कोटेड है, चमड़ा है और है अमेरिकन कंपनी, और ये भी सारा वर्टिकल फ्रीजर है बर्फ जमाने के लिए। ये इतना चौड़ा और गहराई के लिहाज से आप देख लीजिएगा, ये भी सारा फ्रीजर है, वर्टिकल फ्रीजर कहलाता है, अमेरिकन कंपनी है, लेदर कोटिंग वाला है, फ्रिजडायर के नाम से है, बेहतरीन है, जबरदस्त। जी बिल्कुल, ये भी बहुत खूबसूरत है और बड़ी स्पेस, बड़ी इसमें काफी बड़ी स्पेस है इसमें, बेहतरीन, पूरा का पूरा ऊंट आ जाएगा, पूरा का पूरा ऊंट आ जाए इसके अंदर। जी इसके प्राइस ये 70,000 में है जी, जबरदस्त हो गया। कोड भी आप इसके बाद देंगे जो है वो डिस्काउंटेड कोड है। अच्छा, ये जो वर्टिकल्स रखे हुए हैं ये भी, जी बिल्कुल, अच्छा डॉलर के नाम से है, इसमें ऊपर फ्रिज है, नीचे फ्रीजर पार्टीशन है। अच्छा, इसमें ये वो है वाटर डिस्पेंसर भी है। इसमें ये आप दिखा दें, ऊपर जो है ना ये सारा फ्रिज पार्टीशन है और ये नीचे इसमें बर्फ जमाने के लिए है। अच्छा, इसका फ्रीजर नीचे दिया हुआ है। जी बिल्कुल, हाँ ये नीचे बर्फ जमाने का है, ऊपर सारा फ्रिज जो है वो ठंडक के लिए है। बहुत आला जी, जबरदस्त, ये आप देख लीजिए, खूबसूरत इसका इंटीरियर है, काफी हाइट में है, खूबसूरत प्यारा। अच्छा, फुल साइज। अच्छा, ये भी 7 feet तक की हाइट है। जी तकरीबन, हाँ इतना ही है। अच्छा जी, तो इसके प्राइस वैसे भाई, ये वाला आपको 65,000। कमाल है जी, कमाल है, बेहतरीन हो गया जी। आज के दौर में इतनी बड़ी बड़ी फ्रिज है, 60,000, 65,000, 70,000 में अगर मिल जाए कहीं से तो हमें भी ला दीजिए। इसके अलावा इस शॉप कहीं नहीं मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा जी। अच्छा वैसे भाई, ये भी बड़ी खूबसूरत सी एक, हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि कबर्ड है ये। जी बिल्कुल, कबर्ड की तरह है, लेकिन इसमें ये इसकी खासियत है कि नीचे इसका ये फ्रीजर पार्टीशन है, ये आप कस्टमर को दिखा सकते हैं, ये देखो फ्रिज, ये इसका बर्फ जमा हुआ है। अच्छा, इसका बर्फ पार्टीशन ये है, इसके अंदर ये फिर दराज के अंदर दराज, जी ये आप इसमें जो भी आइटम रखेंगे वो जमाने के लिए यहाँ पे रख सकते हैं, ये पूरा पार्टीशन इसका बर्फ जमाने के लिए है। हो गया जी, बेहतरीन, कमाल की चीज़ है, यहाँ पे भी सामान रख सकते हैं, जैसा बाहर से दिख रहा था उससे ज्यादा कमाल का है, कमाल हो गया जी, बेहतरीन। बाकी ये ऊपर सिंपल फ्रिज की तरह, अच्छा ये पूरा फ्रिज होते हैं। अच्छा, इसमें भी ये एडजस्टेबल है, अपने हिसाब से आप इसको सीढ़ियों की तरह ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे ये दो है ना तो आप इसको अलग अलग ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ से इसका टेम्परेचर वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये यहाँ पे इसका अगर आप कस्टमर को वाट, अच्छा 135 135 135, जी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और ये मेड इन कोरिया, इम्पोर्टेड एलजी कोरियन कंपनी है। बिजली महंगी हो गई है, मेरे ख्याल से इस तरह की ये जो है वो घरों में रखनी चाहिए अब, ताकि बिजली की बचत कर सकें। कमाल है यार, ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये एलजी कंपनी का है, एलजी और खूबसूरत इसका ये डिज़ाइन, कमाल का खूबसूरती इसकी यार, ये मुझे दिल को लगा ये वाला। प्राइस इसके वैसे भाई,
20 तक फाइनल दे जाऊंगा। कोई कस्टमर अगर मांगेगा जो ख्वाहिशमंद नजरात है वो फोन करेंगे तो इंशाल्लाह 1-20 में उनको जोड़ दूंगा, जिस शहर में मांगेंगे उसी शहर में उनको पहुँचा के। बेहतरीन हो गया जी, जबरदस्त। अच्छा वैस भाई, अब लास्ट के अंदर वही हमारा जो कोड है हमारे व्यूवर्स को वो बता दीजिए ताकि वो इससे अपना डिस्काउंट वाउचर जो अवेल कर सके। जी जनाब, तो ये बात है, अभी हर बार की तरह इस बार भी हम आपको वही पुराना कोड 977 कोड का बताएंगे। जो भी कस्टमर हमारे को बताए कि हम वीडियो देख के 977 आपका कोड है, इंशाल्लाह उसको अपनी तरफ से 2000 रुपये का पर पीस डिस्काउंट। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने पहले बार्गेनिंग करनी है, उसके बाद आपने ये वाउचर बताना है ताकि आप मज़ीद डिस्काउंट हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया वैस भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।